वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान इतवार के रोज खेले गए मैच में पाकिस्तान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए वेस्ट इंडीज को 143 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 203 रन बनाए और हदफ के ताकर में वेस्ट इंडियन टीम 13.4 ओवर में 60 रन पर ढेर हो गई, जिस पर भारतीयों ने अपने दिल की भड़ास को 6 से तरीके से निकालना शुरू कर दी कि हर पाकिस्तानी ही आग बबूला हो गया। एक भारतीय ट्विटर सारिफ ने इस मामले पर तबसरा करते हुए लिखा, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 143 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 13.4 ओवर में 60 रन पर आउट हो गई, क्योंकि जिंदगी जीत से ज्यादा प्यारी है। ये तबसरा सामने आया तो पाकिस्तानी आबहूला हो गए और फिर दोनों ममालिक के सारे टीम के दरमियान लफ्जी जंग का आगाज हो गया और जिसके मुंह में जो कुछ आया वो बोलता चला गया। मोहम्मद आसिफ नामी सारिफ ने लिखा, यही वेस्ट इंडियन सतवार भारत को आसानी से शिकस्त दे देगा। सत्या ने पाकिस्तान आने वाले वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अरे भाई, वेस्ट इंडीज के बेहतरीन खिलाड़ी तो IPL खेलने के लिए भारत में है, तो वहाँ कौन खेल रहा है, देख लें, सब बच्चा पार्टी है। मोहम्मद आसिफ ने लिखा, बैट वो इंडिया में होते हैं, इंडिया के खिलाफ हर कोई बैट होता है और पाकिस्तान के सामने आते ही हुआ निकल जाती है। गेल का रिकॉर्ड चेक कर सारी लीगर्स में PSL में नहीं चलता, इस दफा तो किसी फ्रेंचाइज ने PSL में लिया ही नहीं उसे। आकाश ने लिखा, तकरीबन पूरी वेस्ट इंडियन टीम IPL खेलने के लिए इंडिया में है, तो पाकिस्तान कौन खेलने गया है। उत्कर्ष ने लिखा, वेस्ट इंडियन टीम पहले रोज बच गई, 2 दिन और रहते हैं। मनीष शर्मा ने लिखा, डर के आगे जीत है और जीत के आगे गोली, इसलिए वेस्ट इंडीज वाले डरना जरूरी है। सानिया मुर्तजा ने जवाब में लिखा, हर एक को अपनी तरह डरपोक और बुजदिल समझ रखा है। मुजीबुर रहमान ने लिखा, ऑयल इट इंडियन फिक्सिंग लीग से ज्यादा जरूरी है। अताई आलमनान ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का स्कोर कार्ड शेयर करते हुए लिखा, तुम्हें याद हो कि न याद हो, क्योंकि बेशर्मी की भी अंतहाय होती है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करें। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया।